शिवशंकर शंभू भाइयों, आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पे बहुत सारे मेरे लेडीज़ जो सपोर्टर है, क्लाइंट है, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस किया था कि हमें पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी जिसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताए। तो इंस्टाग्राम पे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाई जाए आपके लिए। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। और सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर मेन होते हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें। मैं बस यहाँ पे बेसिक्स पॉइंट इसमें क्लियर करूँगा। तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, नॉर्मल ओवरी और पॉलीसिस्ट ओवरी। जो पॉलीसिस्ट ओवरी है, यही कारण है आपके पीसीओडी का, जो एक्सटेंड जो हुआ है उसका साइज, उसके वही जो सिम्टम्स पैदा करते हैं, जैसे कि अनरेगुलर पीरियड, लॉन्ग पीरियड, हाँ, फेशियल हेयर हो जाते हैं लेडीज़ को, देन पिंपल्स आना, वेट गेन हो जाता है, सब कुछ करते हैं, वर्कआउट करते हैं और फिर भी वेट कम नहीं होता। तो इसका रीज़न यही है, तो यही हमें फिक्स करना है। और ये पिक्चर में जो आपको फ्लूड दिख रहा है, जो एक्सटेंड हुआ है, ये कोई हार्मफुल नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इसमें जो फ्लूड जमा हो जाता है हमारे, मतलब बैड डाइट के वजह से, मैं आपको आगे बताऊंगा, कवर करूंगा। तो यही है कि हमें न्यूट्रिशन अपना फिक्स करना है इसमें, तो हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले जान लो कि इसके बढ़ने का कारण क्या है, जो ये फ्लूड एक्सटेंड हुआ ये दिख रहा है। तो दो हार्मोन इनबैलेंस जब होता है, तो दो हार्मोन्स होते हैं, हम पहले कवर करेंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, जो आप फूड खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो समझो आपके फूड में शुगर ज़्यादा, आप शुगरी फूड खाते हो जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है, तो उससे क्या होगा, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, उससे वेट गेन की आपको प्रॉब्लम होगी होगी। और जो एक्सटेंड हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, और उसमें इंसुलिन स्पाइक होने के वजह से उसमें और फ्लूड बनता जाएगा, तो वो और एक्सटेंड होती जाएगी। तो हम इसे न्यूट्रिशन से फिक्स करेंगे, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा, कवर करूंगा। अभी सेकेंड हार्मोन पे आते हैं, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, जो मतलब टेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल हार्मोन है, तो बॉडी आपकी एस्ट्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, और आपका जो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन बोलते हैं, वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है कि पिंपल्स आना, फेशियल हेयर और स्वेटिंग, वेट का गेन होना, ये सब दिक्कतें इससे आती है। तो हमें ये दो पॉइंट क्लियर करने हैं, मतलब हार्मोन इनबैलेंस, इंसुलिन और एंड्रोजन। तो ये फिक्स कैसे करना है, ये सब मेन थिंग इज न्यूट्रिशन। तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, वाइट पास्ता हो गया, वाइट पोटैटो, वाइट ब्रेड, मैदे की रोटी, ये सब पिक्चर मैंने आपको कुछ दिया है, तो ये सब फूड आपको अवॉइड करना है। इससे क्या होगा कि आपके इसमें शुगर होता है, हाई ग्लाइसेमिक फूड होता है ये, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा और आपको जो एक्सटेंड हुआ पोर्शन है उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो हमें ये फूड अवॉइड करने हैं, इससे इंसुलिन स्पाइक होता जाएगा और वो आपका सिस्ट है वो बढ़ता जाएगा, और वो बाद में आपको बहुत हार्मफुल होगा। तो ये फूड जो है हाई ग्लाइसेमिक फूड है, जिसमें बहुत शुगर होती है, ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना है। और आपको कौन से फूड ऐड करने चाहिए, यहाँ पे पिक्चर है, जैसे चेरीज हो गया, एप्पल हो गए, बीन्स, ये सब आप ऐड करें, इसमें लॉट ऑफ फाइबर्स होते हैं। तो जो ये वाला जो फूड है, जिसमें बहुत सारे कार्ब शुगर है, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, बट ये जो फूड है, जो हाई फाइबर फूड है, इससे आपका इंसुलिन बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, हेल्दी फूड है, तो हम इसे फिक्स करेंगे। तो आपका डाइट अच्छी होगी तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, और उससे क्या होगा, हमारा हार्मोन इनबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस रहेगा। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें, हेल्दी चीज़ें हमें ऐड करनी होगी। दूसरा आपको क्या कर रहा है, जैसे बॉडी में आपके एंड्रोजन बढ़ रहा है, तो आपका प्रोटीन लेवल थोड़ा सा कम रखे, डेयरी प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट ये ज़्यादा कंज्यूम ना करे, जैसे कि टोफू हो गया, पनीर हो गया। हाई ग्लाइसेमिक फूड आपको नहीं इंटेक करने हैं, जैसे जिसमें हाई फाइबर हो ऐसे फूड आप इंटेक करें, जैसे कि ओट्स हो गए, किनवा हो गए, तो ये क्या करेंगे, स्लो डाइजेशन करेंगे, तो आपका इंसुलिन जल्दी स्पाइक नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं आपको न्यूट्रिशन से ही सुधारने हैं। तो मेन थिंग इज कि पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी डाइट और अच्छे न्यूट्रिशन से ही
सॉल्व होगी। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने डाइट सुधारें, न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। मेडिसिन तो देंगे बट आप पहले डाइट क्यों करना, आपको ये डाइट आपका अच्छा होगा तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई वैसे ही सब कुछ आपको फॉलो करना होगा। तो आपको हेल्पफुल होगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम पर भी पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आप मुझे कमेंट में लिखें तो आपको हेल्पफुल होगी वीडियो, आशा करता हूँ। जय शिव शंकर शंभू।